मुझे बहुत दुख है ये बात का। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। मैं अभिज्ञान प्रकाश। मसला एक बार फिर नरेंद्र मोदी का और मसला एक बार फिर गुजरात के 2002 की घटनाओं का। सबसे खास बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अभी तक जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो एविडेंस की बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ कही जा रही थी वो आती नजर नहीं आ रही है। SIT के सूत्रों के हिसाब से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी एक बड़ी राहत साबित कर सकती है नरेंद्र मोदी के लिए। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिनका कि नेशनल पॉलिटिक्स में आने का इंतजार बहुत लंबे वक्त से हो रहा है, सवाल हमारा ये कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी राहत है? नरेंद्र मोदी के लिए जो राजनीतिक सियासी हिसाब से जो रास्ते खुलने हैं क्या वो अब खुलने शुरू हो जाएंगे? कतई नहीं भूलना चाहिए कि एक समय में इस देश के उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट करार दिया था। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आज के घटनाक्रम को बताती है। गुजरात दंगों के सबसे दर्दनाक हादसों में शामिल गुरबख सोसाइटी हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट से पीड़ित पक्ष हैरान है। ये क्लीन चिट मामले की जांच कर रही SIT की ओर से मिली है, जिसने अपनी सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। जकिया जाफरी ने गुलबर्ग सोसाइटी कांड में 62 लोगों को आरोपी बनाया था और नरेंद्र मोदी को मुख्य आरोपी। इसके मामले में मुझे तो ऐसा था नहीं कि ये एकदम से ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन ये बात मैंने सुनी है तो उसके लिए मुझे बहुत दुख है ये बात का। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं कामोश तो नहीं रहूंगी, वकीलों से राय लेकर फिर बाद में इस मुकदमा शुरू। सिर्फ रिपोर्ट से कोर्ट को डिसाइड नहीं कर सकती है, ये कोर्ट को आगे बहुत बड़ा लंबा केस चलाना है। विदाउट दैट मटेरियल कोर्ट कैन नॉट डिसाइड कि हु विल बी द अक्यूज्ड। SIT के मुताबिक उसे गुलबर्ग सोसाइटी मामले में मुख्यमंत्री मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले जिनके दम पर मुकदमा चलाया जा सके। SIT ने इस मामले में एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ निलंबित IPS अधिकारी संजीव भट्ट के लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहा था। भट्ट ने आरोप लगाया था कि मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए दंगाइयों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का आदेश दिया था। तो मैं मानता हूं कि इस विषय को फिर समाप्त कर देना चाहिए। जो इसको जीवित रखना चाहता है उसका केवल राजनीतिक उद्देश्य है, कोई अन्य नहीं है। गुजरात दंगों के दौरान 28 फरवरी 2002 को दंगाइयों की एक भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला बोलकर बहुत सारे लोगों को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। इसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद और जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी भी शामिल थे। इस दर्दनाक वारदात में 69 लोगों की मौत हुई थी। तो सवाल ये उठता है, यहाँ पर एक बहुत खास पैनल मौजूद है, हम चर्चा करेंगे कि जो संजीव भट्ट के आरोप लगे अब उनकी क्या तस्वीर बनेगी नरेंद्र मोदी के लिए। सियासी तौर पर हम बातचीत करेंगे, पॉलिटिकली कितनी बड़ी राहत है। यहाँ पर मेरे साथ भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं BJP के। कुछ देर बाद मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी होंगी, मेरे साथ मधुसूदन मिस्त्री साहब मौजूद हैं कांग्रेस के, और RB श्री कुमार साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर DGP हैं गुजरात के। साथ में राजीव पाठक मेरे साथ ही मौजूद हैं जो लगातार ये सारे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहे हैं। राजीव, आपसे शुरुआत करूंगा मैं इस प्रोग्राम की, आज अब इस मामले को किस दिशा में जाते देखते हैं आप? सूत्रों के हिसाब से जो अभी तक SIT की बात कही जा रही है, SIT के रिपोर्ट के लिए वाकई एक बहुत बड़ी रिलीफ है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी के लिए ये शुरुआती रिलीफ जरूर है, लेकिन जो अभी एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल अब शुरू हो रहा है, लीगल बैटल अब शुरू हो रहा है। SIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उससे सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश कर देने हैं। उन दस्तावेजों को कोर्ट अपने तौर पे भी देखेगी कि इसमें क्या तथ्य हैं क्या नहीं,
अगर कोर्ट को लगता है कि सबूत नहीं बनते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनको चार्जशीट नहीं करने का कोर्ट फैसला लेती है, तो उस फैसला लेने से पहले भी जकिया जाफरी के पक्ष को पूरी तरह से सुनना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि जकिया जाफरी के वकील कितना कन्विंस कर पाते हैं कोर्ट को कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एविडेंस हैं, संजीव भट्ट की बात को वो कितने अपने पुख्ता तौर पे साबित कर पाते हैं। तो ये एक अभी और बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद ही कुछ साफ तौर पे कहा जा सकेगा कि नरेंद्र मोदी को राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है। आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई इसी रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में भी लड़ी जाने वाली है, उसके बाद कोर्ट कोई अपना फैसला देगा। तो फिलहाल अभी भी जब तक सबसे पहले तो रिपोर्ट सामने नहीं आती है। आप एक तरह से कह रहे हैं कि ये कहना कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी राहत है थोड़ा सा प्रेमेच्योर होगा, ज्यादा जल्दीबाजी होगी राजीव जी? ये थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि कोर्ट में एसआईटी के भी सब पूरे पक्ष को कोर्ट देखेगी और साथ में जकिया जाफरी के पूरे पक्ष को भी सुनेगी, उसके बाद जो जज हैं वो फैसला लेंगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं। तो ये जब जज फैसला लेंगे तब वो स्टेज आएगा जब कहा जा सकेगा कि नरेंद्र मोदी को राहत मिली है या नहीं मिली है। NDTV's क्रिकेट ऐप, एंड्रॉइड एंड आईफोन, फास्टेस्ट स्कोर कार्ड, स्पेशल एनालिसिस एंड मच मोर, डाउनलोड फ्री NDTV.com/apps।